माननीय स्पीकर महोदय, लोकसभा श्री ओम बिरला जी, महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती उषा शर्मा जी, सचिव खेल विभाग श्री रवि मित्तल जी, जूरी के विशिष्ट गणमान्य सदस्यगण, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के प्रतिभागीगण और वर्चुअल माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हमारे युवा साथी, आज इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के द्वार खोलकर इतिहास रचा जा रहा है। इस सम्मानीय संसद में ये युवा राष्ट्रीय महोत्सव के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में राज्य स्तर के 84 युवा विजेता हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय स्पीकर महोदय, लोकसभा श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज आयोजन इस संसद के केंद्रीय खर्च में कराने की अनुमति दी है। इसके उपरांत संसद भवन के सभी अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिला और युवा संसद महोत्सव 2021 के अंतिम चरण का आयोजन हमें संसद भवन में करने का अनूठा अवसर मिला है। इस आयोजन का हिस्सा बनकर हम सभी को, विशेषकर इन 84 युवा प्रतिभागियों को, संसद भवन एवं संसदीय प्रक्रिया की एक विशेष अनुभूति होगी, जिसका स्मरण उन्हें पूरे जीवन रहेगा। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का दूसरा आयोजन है। इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का यह आयोजन कल से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ही हिस्सा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जो एक महान दार्शनिक एवं कुशल वक्ता थे। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है और अब तक 23 राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्साह नई भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नई भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों की भागीदारी से इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस वर्ष कुल 8 विधाओं में 24 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें कुछ नवीन कार्यक्रम का भी शुरुआत की गई है, जैसे उत्तराखंड में शीतकालीन अल्पाइन स्किल क्लाइंबिंग कैंप, अरुणाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, सिक्किम में पहला कंचनजंगा स्काई डाइविंग ट्रायल, दार्जिलिंग में सूर्य नमस्कार रिले का विश्व कीर्तिमान का प्रयास, मिशन माउंटेन से ओशन तक पर्वतारोहण, योग इत्यादि में यहां सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का भी उल्लेख करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, ताकि फिटनेस जीवन का अभिन्न अंग बनाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया साइक्लोथन, फिट इंडिया मैराथन, प्लॉगिंग रन,
फिट इंडिया स्कूल वीक इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक 10 करोड़ भारतीय इस मूवमेंट में जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया में भी फिट इंडिया मूवमेंट का प्रसार हुआ है, जिससे यह आंदोलन जन जन तक ले जाया जा सके। अब तक 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। ये कहना सही होगा कि फिट इंडिया मूवमेंट आज एक सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे बढ़ चुका है और जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के माध्यम से आज के युवाओं के विचारों को जानने का एक अनूठा अवसर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता, उसका विकास होता है और वे दूसरों के विचारों का सम्मान करने का भावना को आत्मसात करते हैं। इसी इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 से ज्यादा युवाओं ने पूरे उत्साह से भागीदारी की है। मैं देश भर के युवा प्रतिभागियों के जज्बे की दिल से सराहना करता हूं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके के ठंड और कोरोना महामारी के विकट हालातों के ऐसे कठिन समय में भी 11,000 से ज्यादा युवाओं ने इस आयोजन में भाग लिया है। आज इस मंच को प्रदान कर हम भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रति अपना सम्मान दर्शा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हमें जिला और राज्य स्तर के प्रतियोगिताओं वर्चुअल मोड में ही आयोजित करनी पड़ी। इस प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में युवाओं के उत्साहपूर्वक भाग लेने से एक उनके द्वारा उच्च स्तर का जो संवाद प्रस्तुत किया गया है, वो मुझे विश्वास दिलाता है कि आज के युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया का जो विचार है, वो इसी युवा जोश पर आधारित है। मैं आप सभी प्रतिभागियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के हर क्षेत्र के प्रतिभागियों को भाग लेते देख एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होती दिख रही है। कल आप सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टी ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, एवरी यूथ हु आर हियर इन दिस हिस्टोरिक सेंट्रल हॉल एंड ऑल्सो एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर अ वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मोमेंट। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।